कंपोजिशन एंड अल्टरनेटिव कंपोजिशन स्कीम। चल लीजिए जल्दी से कीजिए। कंपोजिशन एंड अल्टरनेटिव कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम का सेक्शन क्या है? सेक्शन 10(1) एंड सेक्शन 10(2). ठीक है, अल्टरनेटिव कंपोजिशन स्कीम का सेक्शन है सेक्शन 10(2A). ठीक है, ये बात क्यों मैंने लिखवाई, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन याद रखना, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी कंपोजिशन या अल्टरनेटिव कंपोजिशन स्कीम बोलता ही नहीं है। पता है क्या बोलता है? सीधे बोलता है सेक्शन 10(1) एंड 10(2), या भी बोल देता है सेक्शन 10(2A), तो आपको समझना होगा कि कौन से कंपोजिशन की बात कर रहा है। ठीक है, ये कंपोजिशन स्कीम किसके लिए एप्लीकेबल है? ये गुड्स सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए एप्लीकेबल है, सप्लायर ऑफ गुड्स प्लस रेस्टोरेंट एंड आउटडोर कैटरिंग, ये वाले ले सकते हैं, प्लस और सर्विसेज वाले भी ले सकते हैं क्या? हाँ, 10% ऑफ सर्विस, ऐसे लिखते हैं, प्लस सर्विस टू द एक्सटेंट ऑफ 10% ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर और 5 लाख, विच एवर इज हायर। पिछले साल के टर्नओवर का 10% तक की सर्विस दे सकते हो, या 5 लाख रुपए जो ज्यादा है वहां तक की सर्विस भी दे सकते हो। ठीक है, सेक्शन 10(2A) किसके लिए है? सेक्शन 10(2A) किसके लिए है? ये है सप्लायर ऑफ सर्विस के लिए। ठीक है, बियॉन्ड दिस लिमिट, कौन सी लिमिट? दिस लिमिट। अगर ये लिमिट क्रॉस हो जाती है आपकी सर्विस की, तो आप सेक्शन 10(2A) ले सकते हैं, या फिर ओनली सर्विस वाले आप हैं तो भी आप सेक्शन 10(2A) ले सकते हैं। आप सिर्फ ओनली सर्विस सप्लायर है, या फिर आपकी सर्विस ज्यादा है, गुड्स के साथ साथ सर्विस है, सर्विस लेकिन ज्यादा है इस लिमिट से, तो भाई आप यहां आ सकते हैं। सबको इतनी बात समझ में आई? मैं चेंज करूं पेज? I'm changing the page. अब सेक्शन 10(1) एंड 10(2), और इधर हो गया सेक्शन 10(2A), ये किसके लिए एप्लीकेबल है? 10(1) किन के लिए एप्लीकेबल है? टर्नओवर लेस देन इज इक्वल टू 1.5 crore इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, एंड टर्नओवर लेस देन इज इक्वल टू 75 lakh इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट। ठीक है, कितने स्पेशल कैटेगरी स्टेट हैं? 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, वो नाम आपको याद करना पड़ेगा। वो 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए टर्नओवर की लिमिट है 75 lakh। अगर ये टर्नओवर था पिछले साल, तभी आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं, नहीं तो कंपोजिशन नहीं ले सकते। इससे ज्यादा टर्नओवर है तो आप कंपोजिशन नहीं ले पाएंगे, लास्ट ईयर का टर्नओवर देखना है। ठीक है, सेक्शन 10(2A) के लिए क्या होता है? टर्नओवर शुड बी लेस देन इज इक्वल टू 50 lakh इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर,
तभी आप 10-2A ऑप्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप 10-2A ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। टैक्सेस कितने लगते हैं इसमें, इन सेक्शंस में? इस सेक्शन में जो टैक्सेस लगता है रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग वाले को टैक्सेस देना होता है 5% का, ठीक है। बाकी अदर जितने भी हैं उनको देना होता है 1% का, और यहां पे टैक्सेस देना होता है 6% का। अगर आप किसी को पढ़ा सकें तो उसकी आने वाली कई पीढ़ियां अपनी जिंदगी बदल सकती हैं। आई एम प्रोवाइडिंग फ्री एक्सेस फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ सेवरल कोर्सेस, CA, CS, CMA, JEE, NEET, बैंकिंग, SSC, रेलवे, CLAT, CBSE क्लास 8, 9, 10, 11 एंड 12, absolutely free on our Android app, which is named Study at Home Learning App.